कुछ ही दिन बचे जेठ जी, जहां हमारी सुबह एक साथ हो रही है और आपका चेहरा सबसे पहले मैं देख रही हूं। हक से सपना है? हाँ सपना ही है। आजकल आप मेरे सपने में बहुत आ रही है प्रीति जी। केटी जी उठिए ना, केटी जी उठिए उठिए, सुबह हो गई। सोने दीजिए ना प्रीति जी, ऑफिस आ थोड़ा लेट चला जाऊंगा मैं। ऑफिस की बात नहीं है, अर्जुन की बात है। अर्जुन क्या क्या उसने, वो ठीक है? वो ठीक है। हाँ तो फिर क्यों परेशान कर रही है आप मुझे, सोने दीजिए ना थोड़ी देर और। अगर वो घर में ना ऐसे खाली बैठा रह गया तो बहुत कुछ हो सकता है केटी जी। इस उम्र में बच्चों का ध्यान गलत चीजों में भटकने में देर नहीं लगती। करेक्ट। करेक्ट क्या, तो उसे एडमिशन दिलाना होगा ना कॉलेज में। एडमिशन क्यों? एडमिशन क्यों दिलाया जाता है, पढ़ाई के लिए ना। अर्जुन की पढ़ाई पूरी नहीं करवानी आपको? हाँ हाँ बिल्कुल करानी है ना। तो अरे करवाएंगे ना, तो उसे जिस कॉलेज में पढ़ना है वहाँ एडमिशन दिला देंगे उसको। अरे सुपरस्टार केडी का बेटा है, आप परेशान मत होइए, सो जाइए। प्रीति जी परेशानी की बात है, मैंने बहुत सारे कॉलेजेस में बात कर ली है। वो अर्जुन ने शराब पीकर जो एक्सीडेंट किया था ना, उसकी वजह से किसी भी कॉलेज में उसे एडमिशन नहीं मिल रहा। बस एक कॉलेज में बहुत मुश्किल से मेरी प्रिंसिपल से बात हुई है, और वो कॉलेज भी बहुत अच्छा है केटी जी। बात हो गई आपकी? हाँ। प्रिंसिपल से? हाँ। कॉलेज भी अच्छा है? हाँ। यही तो बात है ना प्रीति पार्टनर, कमाल है आप। मतलब किसी को मनाना आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, बस यूं समझो कि गरम गरम चाय में चीनी घोलनी हो। आप कमाल करती हैं, इसका मतलब अर्जुन का एडमिशन हो गया है कि नहीं? ऐसे सच कहूँ तो आप भी किसी प्रिंसिपल से कम नहीं है। क्या कहा आपने, वापस कही ना क्या कहा? हाँ हाँ तो कह रहा हूँ ना, डरता थोड़ी हूँ आपसे। मैं कह रहा था ये रूप है ना आपका, उसे कभी मोबाइल पे वीडियो पे रिकॉर्ड करके देखना और सुनना अपने आप को, बिल्कुल प्रिंसिपल जैसा साउंड करती हैं आप। सच बता रहा हूँ, जैसे शादी मुबारक के ऑफिस में करती है ना आप, सब कुछ डायरी में नोट करके रखती है, टाइम पे आना टाइम पे जाना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम पे खाना, सबको हड़का के रखना। घर पे भी यही करती है, पत्नियों वाला रूप मतलब डिसिप्लिन ऐसा कि साहब बिल्कुल प्रिंसिपल लगती है। अगर आप ऐसे बिगड़े लाडले शैतान की तरह बर्ताव करेंगे तो मुझे प्रिंसिपल तो बनना पड़ेगा ना। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मेरी पत्नी है कि प्रिंसिपल। सीरियसली थैंक यू सो मच, आप प्लीज प्रिंसिपल के साथ मीटिंग फिक्स कर लीजिए, हम दोनों चलते हैं, मैं फटाफट ना के आता हूँ। मैं नहीं जा सकती। नहीं नहीं जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पहुँच जाते हैं, देखो ये। केटी जी मैं कॉलेज नहीं जा सकती हूँ। क्यों, कॉलेज क्यों नहीं जा सकती आप? क्यों का क्या मतलब, कॉलेज में तो बच्चों के माँ बाप जाते हैं ना, तो आप नंदिनी के साथ चले जाइए, है ना, वही अच्छा है। क्या कह रही हैं आप? मैं उस औरत के साथ कहीं नहीं जा रहा हूँ प्रीति जी, इस जन्म में तो क्या मैं कभी कभी कहीं नहीं जा रहा हूँ उसके साथ, किसी भी कीमत पर नहीं। अर्जुन के एडमिशन की प्रॉब्लम है, उसका मैं कुछ भी करके एडमिशन करवा दूंगा, जाओ उसे पढ़ाई करनी वहां पर, लेकिन उसके साथ मैं कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन प्रीति जी माँ बाप का जाना बहुत जरूरी है। आप चली जाइए, मुझे नहीं जाना। तो एडमिशन कैसे होगा? हो जाएगा, मैं करा लूंगा। अरे मेरी बात तो सुनिए केटी जी। नहीं सुनिए मुझे। प्रीति नहीं मानेगा कीर्तन, बहुत नाराज है मुझसे। मैं मनाऊंगी ना। कैसे? बस बीवी वाली हरकत। क्या? नहीं कुछ नहीं, तुम जाने की तैयारी करो, कॉलेज तुम दोनों ही जाओगे।
हाँ हाँ, सिंगापुर वाली कॉलेज के सारे सर्टिफिकेट्स अर्जुन के हमने दिए तो है आपको। हमें पता है मिड टर्म है, आप बोलिए ना आपको एडमिशन के लिए क्या चाहिए, उतनी डोनेशन भेज देंगे हम, दिक्कत कहाँ है। देखिए हमारा बेटा पढ़ने में बहुत होशियार है, आप एक बार मौका तो दीजिए, आपको निराश नहीं होने देगा। एक्चुअली साल के बीच का टाइम है ना, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम हो रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब एक फोन मिनिस्ट्री से जाएगा। केटी बेटा तू जरा फोन कर। नहीं नहीं केटी जी एक मिनट, मुझे लगता है कि अर्जुन को एडमिशन उसकी काबिलियत पर मिलनी चाहिए, ना कि किसी को फोन करके या डोनेशन देकर, नहीं तो बाहर वाले ये सोचेंगे कि वो बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद है जिसे सब कुछ अपने हाथों में आसानी से मिल जाता हो, जिसमें कुछ करने की हिम्मत ना हो। लेकिन हमारा अर्जुन वैसा थोड़ी ना है, कितना समझदार है वो। सोचिए ना, अगर वो ये देखेगा कि केटी जी और नंदिनी दोनों एक साथ उसके एडमिशन के लिए कॉलेज जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, अपना टाइम उसे दे रहे हैं, तो उसे कितनी हिम्मत मिलेगी। और उसके बाद वो ये भी सोचने लगेगा कि उसे भी अपना बेस्ट देना है। तुमसे तो बस यही मिडिल क्लास धक्के खा के काम करने की सोच की ही उम्मीद थी। वैसे तुम्हारे बच्चों की एडमिशन की बात नहीं हो रही है, यहाँ मेरे बेटे केटी सुपरस्टार के बेटे की एडमिशन की बात हो रही है। और उसे इस तामझाम से गुजरने की क्या जरूरत है, उसे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, बहुत स्पेशल। और इसमें गलती क्या है? गलती यह है कुशाला कि उसकी आदतें बिगड़ जाएगी। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है, अर्जुन को अपने बलबूते पे एडमिशन मिलना चाहिए। केटी जी तो आप अर्जुन के एडमिशन के लिए नंदिनी के साथ कॉलेज जा रहे हैं? केटी जी सुनिए तो। सुनूंगा, हर बात सुनूंगा सिवाय नंदिनी के साथ जाने की बात। घर में दवाई छिड़कने वाले आएंगे, घर के ओने कोने में सामान खींच के दवाई छिड़कवा देना। मैं जाऊँ सलजम और मूला का साग लेकर आऊँ, वो दिन हो गए नहीं बनाया, ठीक है? मुंह पे कपड़ा बांध लेना। ठीक है माँ। सुनना बोल, भिंडी की सब्जी भी ले आएगी, बहुत दिनों से नहीं खाई। हाँ कपड़ा बांध लेना। ठीक है ठीक है, ध्यान रखना। हाँ कोई मारे को उठा के ना लेके जाने वाला, ध्यान रखना। अब माँ क्या भूल गई? अब क्या भूल? सॉरी, आइए भैया। भैया? भैया किसको बोला? मैं क्या भैया दिखता हूँ क्या? हाँ? नील? क्या है ये सब? ये तो मुझसे पूछ रही हो। तुमने MBA की पढ़ाई के लिए मेरी हेल्प करनी बंद कर दी, तो मेरी पढ़ाई भी छूट गई। इसीलिए मैंने पेस्ट कंट्रोल का काम चालू किया। बताओ ना मैडम, कहाँ पे स्प्रे करना है, कहाँ पे हैं कीड़े? नील तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे कैसे तुम MBA की डिग्री छोड़ सकते हो? एक्चुअली वो क्या है ना कि मेरी ट्यूटर ने ना मुझे बीच में ही छोड़ दिया, तो मेरी पढ़ाई भी बीच में छूट गई। वैसे तुम्हें इतना क्यों फर्क पड़ता है? हाँ मैं ये पेस्ट कंट्रोल का काम करूँ या फिर किसी मैकेनिक का या किसी सब्जी वाले का, व्हाई डू यू केयर? आई डोंट। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ यहां से। झूठ मत बोलो, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी परवाह है, फर्क पड़ता है तुम्हें। क्यों मुझे दूर कर रही हो अपने आप से? क्योंकि मैं और टूटना बर्दाश्त नहीं कर सकती। कुशाला आंटी ने मुझे जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत तकलीफ हुई है। मैं पूरी जिंदगी अपने माथे पर ये टैग लेके नहीं जी सकती कि मैंने एक अमीर घर के लड़के को फंसाया। नील मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि तुमसे दूर जाने की हिम्मत जुटा पाऊँ। प्लीज मेरी मुश्किलें मत बढ़ाओ, तुम प्लीज चले जाओ। प्रियंका किसी ने जो भी बोला अभी के लिए प्लीज भूल जाओ और मुझे देखो और बताओ कि तुम्हें क्या महसूस होता है। प्रियंका
मैं नहीं जानता कि ये क्या है, बट मैं ये जानता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, और अगर तुम्हें ये फील नहीं होता तो तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा। ठीक है, मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगा। जानता हूं कि तुमने बहुत झेला है, लेकिन एक बार जिंदगी को फिर से मौका देके देखो, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होंगी। आई प्रॉमिस। मैम, सो वो मेहता वेडिंग और अग्रवाल वेडिंग दोनों एक ही टाइम पर है, तो इन दोनों वेडिंग्स को मैनेज करने के लिए ना हमें प्रोजेक्ट पर कुछ और लोगों की जरूरत पड़ सकती है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्लेसमेंट एजेंसी को फोन करो, हायरिंग शुरू कर दो, इंटरव्यूज ले लो। अशीना, उसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों मैम? अर्जुन है ना, वो काम शुरू कर लेगा हमारा। अरे उसके पापा की कंपनी है शादी मुबारक, और वो बड़ा भी हो चुका है तो काम संभाल लेगा, और इसी बहाने ना केटी जी और अर्जुन एक साथ टाइम भी बिता लेंगे, है ना केटी जी? मैम, अर्जुन, अर्जुन का कॉलेज नहीं है, आई मीन इतने जल्दी काम करने की क्या जरूरत है? वो तो तुम उसके पापा से पूछ लो ना, उन्हें तो उसके पढ़ाई में अब दिलचस्पी रही नहीं, खुद अपने काम में मग्न रहते हैं। एडमिशन भी नहीं करवाया तो अब तो उसे काम ही शुरू करना पड़ेगा ना। आई सी, मैं देख रहा हूँ शीना को आपने अपनी टीम में कर लिया, सब समझ आ रहा है मुझे। शीना ने तो पते की बात की है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अर्जुन को आगे पढ़ाना नहीं है? पढ़ाना है, एडमिशन भी दिलाना है, दिला दूंगा मैं, लेकिन आपकी शर्त पर नहीं। तो फिर कैसे होगा अर्जुन का एडमिशन? हो जाएगा एडमिशन, मैं बैठा हूं ना उसका डैड के टीपा, तुम की फिक्र करिए। सर, मैम मैं जाती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। अगली बार टीम संभाल के चूज करना। सॉरी सर, रहने दीजिए, फायदा नहीं है। क्या आप बताइए, क्या क्या चल रहा है आपके दिमाग में? मतलब प्रीति जी, मैं आपको ठीक से पढ़ सकता हूं, देख रहा हूं कुछ दिनों से कुछ चल रहा है आपके अंदर, आपके दिमाग में, जो आप मुझसे छिपा रही हैं। क्या छिपा रही हैं बताइए। कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं, ठीक है फिर, आपसे सच उगलवाने के लिए आपका पैंतरा इस्तेमाल करना पड़ेगा मुझे। अब बताइए, अगर आपने कभी भी मुझे एक दिन के लिए, एक मिनट के लिए या एक पल के लिए मुझे अपना माना हो, तो बताइए मुझे सच क्या है जो आप अपने अंदर दबाए बैठी हैं? क्यों नंदिनी को मेरे करीब लाने की कोशिश कर रही है? जवाब दीजिए। केटीपा, थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए अर्जुन? आई नो कि आप मॉम से नाराज हो, आप उन पे गुस्सा हो, पर फिर भी आप उस गुस्से को अलग रखकर मेरे एडमिशन के लिए मॉम के साथ चलने के लिए रेडी हो गए।
आप मेरे लिए कितना कुछ करते हैं, आप बेस्ट हो पा, यू द बेस्ट। थैंक यू वेरी। आप चाहते थे ना कि क्रिसमस पे हम दोनों मैचिंग आउटफिट्स पहने, पर उस टाइम पे तो मैंने वो मॉम की पसंद के कपड़े पहन लिए थे, बट ये देखिए मैं हम दोनों के लिए मैचिंग टी शर्ट लाया हूँ। रियली? देखिए। वाओ, कैन आई? या या। आई लव माय ऑसम डैड किटी, क्या बात है। ओह वाओ, लुक एट दैट। मेरा पहला गिफ्ट है आपके लिए, अब हम दोनों साथ में पहनेंगे। बहुत सुंदर है ये। किटी जी, क्यों ना आज शाम को आप और अर्जुन एक फोटो सेशन कर ले इसे पहनकर? हाँ प्लीज पा, है ना? Yeah, done. I'm game, sure. दो मिनट। फाइल देख। I'm sorry. माफ कर दीजिए मुझे। अब समझ में आया कि आप अर्जुन को मेरे करीब लाने के लिए सब कर रही थी, और मैं बेवकूफों की तरह आपकी नियत पे शक कर रहा था। I'm sorry. कोई बात। प्रीति वर्णा, एक बात कहूं? You're the best. Sorry. मैं निकल। Ladies first. तो निकल ही नहीं रहा। शायद निकलना चाहता ही नहीं है। मैं ट्राई करूं? आराम से टूटे ना। फिक्र मत कीजिए, जानता हूं नाजुक है, टूटने नहीं दूंगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।